मध्य प्रदेश के फायर विभाग के स्पेशल डीजी शैलेंद्र सिंह सोमवार को इंदौर फायर स्टेशन पहुंचे थे, जहां उन्होंने फायर स्टेशन का निरीक्षण किया। दौरान करोड़ों रुपए के खराब होते वाहनों पर उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारी कर्मचारियों को जमकर फटकार भी लगाई। शैलेंद्र सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि फायर स्टेशन में पिछले एक साल से नए वाहन खड़े हैं, लेकिन देखरेख और अधिकारियों की उदासीनता के चलते करोड़ों रुपए के वाहन कबाड़ में तब्दील हो गए हैं। इस मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 10 वाहन मेरे ख्याल गिनती कर लेते हैं, 10-12 वाहन है, कितने वाहन हैं वो 2010 में खरीदे गए, तो आप लोग देख ही रहे हैं, कुछ नए वाहन खड़े हुए हैं, अब तक मुझे लगता है टायर तक भी सड़ गए हैं। किसी गलती हुई, किससे कोऑर्डिनेशन में गलती हुई, उस लेवल की अधिकारी कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर पर नगर निगम का काम है ये, अरे जो भी अर्बन डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट वो करना चाहिए, क्योंकि अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट शिफ्ट हो गया है। उसके बाद भी जो भी अधिकारी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मैं खुद लिखूंगा। सर, किस तरह की नाराजगी जाहिर की है आपने, मतलब सारे दौरे के तरह आपने निरीक्षण किया है अभी? ये नाराजगी हमने, ये नाराजगी नहीं है, बहुत दुख है। नाराजगी की बात नहीं है कि नए वाहन देश की संपदा है, 10-10 वाहन इतने महंगे वाहन खरीद के सड़ रहे हैं यहाँ पे, और सीनियर अधिकारी जो भी रहे हों, मेरे पूर्ववर्ती रहे, मैं खुद भी हूँ, क्यों नहीं उन्होंने ध्यान दी सिंपल चीज़ का। अब चूंकि पूरा मामला आपके सामने आया, तो आने वाले समय में किस तरह की कार्रवाई देखी जा सकती है? ये पूरा सामान तो नगर निगम से किया जा चुका है, मैं इसकी तत्काल चिट्ठी लूंगा, और नगर निगम कमिश्नर जो है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी नगर निगम है मिस्टर निकुंज श्रीवास्तव, उनसे बात करता हूँ कि ऐसे गलती हुई है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फीस की जानी चाहिए, और कार्रवाई करके इस तरह के अधिकारियों को बाध्य सेवानिवृत्त किया जाना चाहिए। सर, पाइप को लेकर भी गड़बड़ी सामने आई? पाइप की कोई गड़बड़ी मुझ नहीं हुई, कुछ पाइप खरीदे गए थे जिनके खिलाफ, जिनके बारे में लगभग 30,000 फीट या 30,000 मीटर पाइप खरीदे गए थे, जिनका उपयोग नहीं किया गया है। लोकायुक्त में मामला चल रहा है, और मेरी डीजी लोकायुक्त से भी मैंने निवेदन किया था कि इसकी जल्दी से जांच कराई जाए और कार्रवाई कराई जाए। सर, ये बात कहीं भोपाल में भी आपकी नाराजगी दुख रखा जाएगा अधिकारियों के सामने? ये बात मैं बता चुका हूँ, सभी अधिकारी ये बात जानते हैं कि पाइप जो है 30,000 मीटर या 30,000 अरे फिट, ये मुझको ध्यान नहीं कितने आंकड़े गए, उतने लंबे पाइप खरीदे गए, उनका कोई उपयोग नहीं किया गया, और पाइप रखे रखे सड़ गए हैं, उनको निकाला, एक भी क्षण नहीं उपयोग किया गया है। सर, जो 6 करोड़ की एक मशीन जो आ रही है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? कोई मशीन नहीं आ रही, मुझे पता है, एक मशीन अपने आप है, ब्रांड टू मशीन है, जो कि 2.65 करोड़ में खरीदी गई थी वर्ष 1993 में, मात्र वो 6,000 किलोमीटर चली हुई है, और 2005 से उस गाड़ी को खड़ा कर दिया गया है, और उसको कंडम भी किया जा चुका है। मेरे बात में जब ज्वाइन करने पर बात संज्ञान में आई, तो मैंने उसको डीजी साहब को निवेदन किया है कि उस गाड़ी का पुनः उपयोग किया जाए, क्योंकि मात्र 6,000 किलोमीटर की गाड़ी चली हुई है। सर, इसके बाद जो समय में किस तरह से बीच का रास्ता निकाला जाएगा? मैं चाहता हूँ कि ये डिपार्टमेंट पुलिस के पास ही रखा जाए, दमकल विभाग के पास ही रखा जाए, क्योंकि ये जो है आग बुझाना बहुत त्वरित कार्रवाई होती है, लगातार स्टैंड टू पे फोर्स को रहना पड़ता है, तो अन्य प्रदेशों में फायर डिपार्टमेंट पुलिस के साथ है, क्योंकि पुलिस ही कोऑर्डिनेशन काम करती है। तो मेरा मानना है ये जो है पुलिस के पास ही रहना चाहिए, और तत्परता कार्रवाई की जा सकती है। सर, मुझे जहाँ तक पता है कि लगभग 400 कर्मचारी फायर, हो सकता है आंकड़े नहीं पता मुझे, लगभग 400 कर्मचारी हैं, हमारे भोपाल में हैं, मालनपुर में हैं, पीथमपुर में हैं, और अरे इंदौर में हैं, लगभग 400 हैं, उनके आंकड़े तो देख के बताऊँ कितने पर इससे समझ। दमकल की भी बल तो आग लगने पर ही मालूम पड़ेगी, आग तो बुझाई रहने लगातार, परंतु उनकी घंटे जो है प्रत्येक कर्मचारी को रोज़ 12 घंटे लगभग ड्यूटी करनी पड़ती है। लेकिन सैलरी सर उनको उन काम के हिसाब से नहीं मिल पाती है? सर, सैलरी उनको मिलती है, सैलरी पूरी जो कॉन्स्टेबल की तनख्वाह होती है उसके बराबर तनख्वाह मिलती है, सैलरी तो भी नहीं, पर काम के घंटे 12 घंटे एवरेज पाते हैं, जो कि ज़्यादा है।